उतरो गाड़ी से। मेरी बात मैंने तो सुनिए। कहा गाड़ी से नीचे उतरो। आपको मेरी किसी गाड़ी बात... से उतरो वैजंती। गाड़ी में बैठो। नहीं। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। नहीं बैठूं। जब तक आपका गुस्सा डंडा नहीं हो जाता मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूं। डंडा नहीं ठंडा। हाँ जो भी है तुमको मालूम नहीं गुस्से में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकती है। चिंता मत करो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और ये कुछ क्यों नहीं होने देंगे आप? क्योंकि तुम मेहमान हो हमारी इसलिए। अब बैठोगी? नहीं बैठूंगी। वैजयंती गाड़ी में बैठो तुरंत। नहीं बैठूंगी। ऐसे जोर जबरदस्ती करेंगे तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कोई गुस्सा नहीं करूंगा लेकिन तुम भी वो नाम दोबारा कभी नहीं लोगी मेरे सामने। एक बार आप दिल खोल के बॉन्दिता से बात कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस नाम के हर निशान को मिटा दिया है मैंने अपने जीवन से। वो नाम उससे जुड़ी हर याद को अपने जीवन से बेदखल कर दिया है मैंने। अब कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच। 8 साल पहले वो रिश्ता मर गया मेरे लिए। पता ही नहीं चला अपने ख्यालों में गाड़ी चलाते वक्त कि मैं तुलसीपुर और कृष्णानगर की सीमा पर गाड़ी लेकर आ गया। हमारे इलाके और हमारे लोगों को छुआ भी तो अंजाम ऐसा ही होगा। आज शीशा टूटा है इसके बाद हड्डियां टूटेंगी। चंद्रचूर जमाई बाबू ने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करूं? तुम यहीं रुको कहीं जाना मत मैं अभी आया। लेकिन मुझको जाना है मेरी रेलगाड़ी छूट जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। क्या हुआ बैरिस्टर बाबू डर गए? गाड़ी के पीछे से निकल के आने की हिम्मत नहीं हो रही है? कोई लड़की है ना आपके साथ उसी के पल्लू में छुपे रहेंगे क्या? जरा हमें भी उसका चेहरा दिखा दीजिए। क्या आप मत जाइए। देखो वैजयंती चिंता मत करो मैं तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ूंगा। अगर मैं अभी रुक गया ना तो ये तुलसीपुर को डराएंगे मेरे गांव वालों को डराएंगे और वो मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकता। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम घर सुरक्षित पहुंचोगे। बैरिस्टर बाबू का वादा है। नियम कायदे कानून की किताबें पढ़ने वाले तुलसीपुर के बैरिस्टर बाबू दुश्मनी का कानून कैसे भूल गए? अपनी गाड़ी का शीशा तक हमारे इलाके में लाने से पहले सोचा नहीं आपने? हमें सोचने की जरूरत नहीं है चंद्रचूड़ क्योंकि हम जानते हैं तुलसीपुर वाले अपनी सीमाएं अपनी मर्यादाएं लांघते नहीं और हम ये भी जानते हैं कि कृष्णानगर वाले अपने झूठ और अपनी धोखेबाजी छोड़ते नहीं। अब अपना अपना स्वभाव है। हमें स्वभाव ना सिखाओ बैरिस्टर बाबू। सीखने की जरूरत तुम्हें है। दुश्मनी के सबक सीखने चाहिए थे तुम्हें वो भी इससे बहुत पहले।
ध्यान से देखो, हमारी गाड़ी का एक इंच भी तुम्हारी सीमा के अंदर नहीं आया है। आया तो है, नाप लो। रुक जाइए, रुकिए आप, और आप भी रुक जाइए। कृष्णनगर वाले और तुलसीपुर वालों के बीच फिर से लड़ाई का ऐलान हो गया क्या? कहाँ इंस्पेक्टर साहब, तुलसीपुर वाले कृष्णानगर वालों से उलझना थोड़ी चाहते हैं। ये तो ये कृष्णानगर वाले हैं कि जब तक हमारे पैरों की धूल से तिलक ना कर लें, चैन नहीं पड़ता है। धूल से नहीं, खून से तिलक करेंगे हम तुम तुलसीपुर वालों का। शांत हो जाइए आप दोनों, यहाँ क्या हुआ है वो हमें बताइए। खुद देख लीजिए, इन कृष्णानगर वालों ने हमारी गाड़ी के कांच को फोड़ा है अपनी गोली से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हरजाना चाहिए। हरजाना तो तुम भरोगे, तुम कमी। किसकी गलती थी और कौन हरजाना भरेगा, ये थाने चलकर तय होगा। आप हमारे साथ थाने चलिए। मैं दुर्गा माँ की पालकी लेके जा रहा हूँ अभी। अब वो आपका ड्राइवर ले जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ कोई है, मैं उन्हें छोड़ कर आ जाऊंगा तुरंत। ठीक है। वैजयंती, वो लड़की कहाँ गई? मैंने उससे वादा किया था, पर उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। बैरिस्टर बाबू, अगर कोई नहीं है आपके साथ तो अभी आप और चंद्रचूर जी मेरे साथ थाने चलिए। आप पर तो खुद से ज्यादा भरोसा है सखा बाबू, पर माफ करना, आज मुझे निकलना पड़ा। ये सही समय नहीं है मेरी सच्चाई आपके सामने लाने का। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, जो देख के तुम्हारा ये हाल है तो सोचो अनिरुद्ध पे क्या बीती होगी। काश मैं सखा बाबू का दर्द कम कर सकती। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। वंदिता, चलिए दूध पी। ये चोट कैसे लगी? ये चोट बोंदिता, क्या छुपा रही है मुझसे? बता बोंदिता, क्या छुपा रही है मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैं कुछ नहीं छुपा रही। मुझे अब तेरे लिए डर लगने लगा है बोंदिता। तू बेकार में डर रही है। ये डर बेकार का नहीं है बोंदिता, तुझे ये समझना होगा कि तुलसीपुर वाले अब हमारे सिर्फ दुश्मन हैं और कुछ नहीं। पहले भी बहुत घाव दे चुके वो हमें बोंदिता। पर मां, क्या हमारे हाथों में दुश्मनों के खून का रंग नहीं लगा है? क्या हमने उन्हें घाव नहीं दिए? बता मां, उसका क्या? हाँ, मैं मानती हूँ बहुत कुछ छीना है हमने उनसे, पर बेटा वो सब कुछ उन्हें सिर्फ जवाब देने के लिए था। जवाब देने के लिए? जवाब में आंख के बदले आंख फोड़ोगे तो एक दिन पूरा गांव अंधा नहीं हो जाएगा माँ? और अगर जवाब ही देना था तो दोस्ती का जवाब दोस्ती से क्यों नहीं दिया? माँ, वो आदमी एक बार नहीं दो बार शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, पर हमने जवाब देने के जुनून में क्या किया? एक शांति की चाह रखने वाले इंसान को आग उगलने वाला ज्वालामुखी बना दिया। एक इंसान जो हंसता था, मुस्कुराता था, खुश रहता था, सबसे प्यार करता था, उसे पत्थर बना दिया माँ। एक इंसान जो जिंदा तो है मगर नफरत और दुश्मनी का बोझ ढोते एक जिंदा लाश बन गया। नई सोच, नए आसमान, नई जमीन का सपना देखने वाला आज नफरत की दलदल में धस चुका है। बस, माँ। बस,
बस चुप हो जा। क्या हो गया है बोंदिता तुझे आज अचानक से कि तू उनके दिल का हाल मुझे बता रही है? क्योंकि आज मैंने अपने आंखों से बोंदिता क्योंकि क्योंकि मुझे आज ये सब पता चला है माँ। वो कचहरी में सब लोग बातें कर रहे थे कि हमने तुलसीपुर वालों के साथ क्या क्या किया। मैं जान गई हूँ कि तूने अपने जहन से नहीं उतारा अपने सखा बाबू को और ये बहुत खतरनाक हो सकता है तेरे लिए। अरे बोंदिता आओ नाश्ता कर लो। ये तो मेरे होमवर्क की कॉपी है। ये घर में किसी के हाथ लग गया तो तेरा झूठ पकड़ा जाएगा बोंदिता। अरे आज मेरे आशीर्वाद की जरूरत कैसे पड़ गई तुझे? ठाकुर माँ आपके आशीर्वाद की तो सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जो भी काम करने जा रही है उसमें तुझे सफलता मिले। मैं तो बस दुश्मनी खत्म करके अमल लाना चाहती हूँ। थैंक यू ठाकुर माँ। तुझे भी क्या थांग थांग थैंक यू थांग थांग। टुपुर 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 दीदी क्या हुआ टुपुर को? घबराने की कोई बात नहीं, दो दिन से ना खाया ना पिया, व्रत है ना इसका। व्रत? कैसा व्रत? औरत जात को व्रत रखने पड़ते हैं। समस्या और तपस्या कभी खत्म नहीं होते औरत जात की जिंदगी से। तो जमाई बाबू ने भी व्रत रखा है? जानती हूँ नहीं रखा होगा। फिर औरतों को ये सारी तपस्या क्यों करनी होती है? क्यों सारी समस्याओं से अकेले लड़ना पड़ता है औरतों को? मैं मानती हूँ औरतें कमजोर नहीं होती, पर इतना भी भारी व्रत क्यों करना जिससे तबीयत खराब हो जाए? बस जिसके बारे में पता ना हो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। मुझे चीश चलिए जमाई बाबू कमरे में लेकर चलते हैं। चलो उठो आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। माँ ये सब वो टुपुर दीदी की शादी को 8 साल हो गए और वो अभी तक माँ नहीं बनी। बच्चा होने के आस में कठिन व्रत उपवास रखती हैं। क्या? और ये किसने कहा कि व्रत रखने से बच्चा हो जाएगा? तुम क्यों ठाकुर माँ के विरुद्ध जाना चाहती हो? लो लूचियां खा लो। कचहरी भागने के चक्कर में नाश्ता भूल जाओगे। कल मैं दीनपुर गया था, वहां पे मैं बैरिस्टर बाबू से मिला। आपको पता है ठाकुर माँ उसके साथ एक लड़की भी थी जिसे वो हम सब से ऐसे छिपाने की कोशिश कर रहा था जैसे जैसे वो उसकी रक्षा कर रहा हो। आज मैंने पहली बार उसे बैरिस्टर बाबू से किसी का रक्षक बाबू बनते हुए देखा। मेरी रक्षा करने आए थे मेरे रक्षक बाबू। मुझे लगता है कि बैरिस्टर बाबू उससे शादी करने वाला है। अच्छा? अभी ज्यादा पता नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझे पता चला है कि वो दक्षिण भारतीय लड़की है। बाकी मैं सब पता लगा लूंगा। मैं लगवाता हूँ प्रवीण को इस लड़की की जन्म कुंडली निकलवाने के काम में। अरे क्या हुआ? पानी ला पानी। वैसे बड़ी फुर्ती दिखाई बैरिस्टर बाबू ने हाँ शादी के मामले में। अभी 4 दिन नहीं हुए बोंदिता से ये कहकर कि मेरा कोई रिश्ता नहीं, और अब देखो किसी दूसरे से रिश्ता भी बना लिया और दिल भी जोड़ लिया। ऐसे ही होते हैं ये लोग। तो ठीक है ना? हाँ ठाकुर माँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे देरी हो रही है मैं चलती हूँ। जा। ठाकुर माँ क्यों उसके जले पे नमक छिड़क रहे? दिल दुखा होगा ना बेचारे का। जमाई बाबू सब आपकी तरह नहीं होते, बड़े दिल वाले।
जो बड़ी बड़ी चोट को यूं भूल जाएं। वैसे जल्दी मिलवाइए उस लड़की से, उसे शगुन देना है। बरसों पहले बरिस्तर बाबू ने हमारी घर की बेटी को मंडप से भगाया था। अब उनकी होने वाली पत्नी को मंडप में पहुंचने से पहले अगवा तो करना ही पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी ठाकुर मां। जैसे आपने कही थी, मैंने सारा गृह कार्य पूरा कर लिया। देखिए, बहुत अच्छे। वैजयंती, मैं जो भी कहता हूँ तुम करती हो, है ना? बचपन से। क्या? हाँ, करती है ना? तो कल मैंने तुमसे कहा था मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें घर सुरक्षित छोड़ूंगा, तुम फिर भी चली गई, क्यों? वो मेरे को लड़ाई झगड़ा देखना अच्छी नहीं लगती ना, वो हमेशा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा है बचपन से। वो गांधी जी ने सिखाया था ना, हिम्मत से आ जाती है गांधी जी की बातें सुनकर पति का विश्वास हो जाता है कि अहिंसा के साथ संघर्ष करके भी जीती जा सकती है दुनिया। वो मेरे अप्पा है ना, वो गांधी जी को बहुत मानते। आप नहीं मानते? पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दो का पहाड़ा सुनो और लिखो, तुम्हें संख्या के बाद पहाड़े सीखने होंगे। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीया छः। वैजयंती को दो का पहाड़ा पहले से आता है, ये कैसे संभव है? वैजयंती, आज मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। वहां किताबों की अलमारी से तुम्हें भूगोल की किताब निकालनी है। मैं पांच तक गिनूंगा। लेकिन पांच और मेरी चार, तीन। अभी पता चल जाएगा कि ये वैजयंती सच्ची है या झूठी। दो। बिल्कुल सही किताब लाई है तुमने। इस पर क्या लिखा है पढ़ के बताओ वैजयंती। पढ़ना नहीं आता ना तुम्हें, वही सीखने आई हो यहाँ। तो पांच गिनने तक इतनी सारी किताबों में भूगोल की सही किताब इतने कम समय में कैसे? चाहती हो जी मैं? क्या करने आई हो यहाँ? सच बताना, क्योंकि मैं इतना तो जान चुका हूं कि तुम पढ़ने तो नहीं आई हो। बोलो, देखो ये नाटक नहीं चलने वाला यहाँ वैजन। अरे तुम बात आते रोते क्यों हो, सच बताओ मुझे। अरे नहीं, तुम्हारा नहीं समझना आता मुझे। हिंदी में नहीं बता सकती क्या? मैं कह रही थी कि आपको प्यार से बात करनी नहीं आती क्या? अयो मम्मा, मेरे को जूती भूलती है, मेरे को जूती भूलती है। वैजयंती, मैंने कभी किसी लड़की या औरत को जूती के समान। अब भी बोली जूती, बोली मुझको जूती नहीं झूठी। अब मेरे को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझती है। आप मेरे को क्या बोली, वो गोल वाली किताब ले गया। मैं ये किताब लेके आई जिसमें गोल बनी थी, देखिए बनी है ना। अब मुझे क्या पता था सही जवाब देने पे भी आप डांटेगी। पहली बार आपके कहने पर अपनी जुबान का नहीं दिमाग का इस्तेमाल की मैं, और उसमें भी आप मेरे को डांटती है, बोलती है कि मैं झूठ बोलती है। मैं क्या करूं? अयो वैजयंती, अरे शांत हो जाओ, मैं शायद थोड़ा ज्यादा सोच लिया मैंने, झूठी नहीं हो तुम। मांगे तू का पहाड़ा कैसे आया तुम्हें?
दो का पहाड़ा कैसे आया तुम्हें? दो तीना छह होता है, ये कैसे पता तुम्हें? पहाड़े तो आज पहली बार सिखा रहा था मैं। वो मैं नहीं बोली। तुम बोली ना जब? नहीं, मैं नहीं बोली, वो नंदू बोली। नंदू? नंदू, नंदू मेरा भाई। वो दिन भर ना दो का पहाड़ा गाता रहता है, तो सुनकर मेरे दिमाग में बैठ गया, इसलिए मैं बोली। और आप बोलती है मैं झूठ बोलती है। आप कितना डांटती है मुझे। शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, साबित हो गया कि तुम झूठी नहीं हो, शांत हो जाओ ना। झूठी नहीं बोली ना। झूठ नहीं बोला। अब रोना बंद हो गया हो तो पढ़ाई शुरू करें। ठीक है। नहीं पढ़ेगी, मैं पढ़ाई नहीं करेगी। पहले आप माफी मांगिए। क्या? माफी मांगिए। नहीं मांगूंगा मैं माफी। मांगनी पड़ेगी, मांगिए। ठीक है, तो मैं भी नहीं पढ़ेगी। मुझे माफ कर दो वैजयंती, अब हम पढ़ें। आज बाल बाल बच गई बोंदिता। तो आज हम आप मुझसे दोस्ती करेंगे? वो मेरा भाई है ना नंदू, उसके बहुत दोस्त है क्योंकि वो पार्ट चला जाता है, पर मैं नहीं जाती ना। पर अब मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ ना, तो ये मेरी पाठशाला हुई ना, तो तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तो हाँ। पढ़ो और जाओ, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करता मैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी दोस्त बन जाती हूँ। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि जब मैं किसी से दोस्ती करता हूँ ना, तो मैं जीवन भर का साथ निभाना चाहता हूँ। वैजयंती, जीवन भर का साथ ही तो चाहिए, साथ निभाना चाहती हूँ। बताइए ना, आप मुझे से दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते? बोलिए ना। मैं नाम नहीं ले सकती, पर आप इसके वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते ना। आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, इसीलिए आप इसकी जगह किसी को नहीं देना चाहते। पर आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती, मैं तो अपनी जगह बनाना चाहती। आपकी बहुत भाई जयंती, आप यही बोलती है ना, चलेगी मुझे। मैं पुराने रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती, पर नए रिश्ते जोड़ना चाहती हूँ। वो हाथ छूटा, पर वैजयंती का साथ कभी नहीं छूटेगा। शो, ये वैजयंती का वादा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई साथ छूटे या कोई हाथ छूटे। वैजयंती, मुझे कोई परवाह नहीं, ना तुम्हारी ना बॉन्ड। झूठ तेरा उलझा धागा, सिरा ना हाथ में आए, एक
भरोसा है खफा सा, कोई इसे समझाए। मेरे जीवन में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं, नहीं है कोई जगह किसी दोस्त की या किसी रिश्ते की। तूने तोड़ा क्यों भरोसा मेरा, रिश्ता तेरा।